1973 से 2020 का सफर कैसे बना यादगार, रियल लाइफ जोड़ी क्यों नहीं चली रील पर, क्यों नहीं रही सफल ऋषि लीड रोल्स में, क्यूट डैशिंग चुलबुले बेबाकी और पावर हाउस इन सब नामों से मशहूर ऋषि कपूर को बॉलीग्राड टीम की तरफ से शत शत नमन। आप जहां भी हो खुश रहो। एक साल तक कैंसर से जूझने के बाद ऋषि कपूर जी का 67 साल की उम्र में 30 अप्रैल 2020 को निधन हो गया। उनका शानदार अभिनय करियर हमें फिल्म उद्योग में उनका कद बताता है। 1973 में फिल्म बॉबी से अपने करियर की शुरुआत करने वाले ऋषि कपूर ने 150 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है। उन्हें बॉलीवुड में सबसे लंबे समय तक टिके रहने वाले एक्टर्स में से एक माना जाता है। ये पहले एक्टर हैं जो मरते मरते भी हमें शर्मा जी नमकीन से एंटरटेन कर गए। खाने के शौकीन थे, बातों के धनी, शायद इसीलिए लीजेंड थे ऋषि कपूर। ऋषि कपूर का जन्म ऋषि राज कपूर के रूप में मुंबई में 4 सितंबर 1952 को राज कपूर और कृष्णा राज कपूर के घर हुआ था। ऋषि को उनके बड़े भाई रणधीर कपूर ने चिंटू निकनेम दिया था। उन्हें बचपन से ही एक्टिंग का बहुत शौक था और वो आईने के सामने हंस हंस कर रोते बिलखते एक्सप्रेशन करते थे। बचपन से ही पढ़ाई में दिल नहीं लगा और 8वीं में स्कूल छोड़ दिया। अब दिल तो कहीं और लगा था तो भला पढ़ाई में कैसे लगता। ऋषि कपूर की पहली फिल्म उनके पिता की फिल्म श्री 420 थी। ऋषि को श्री 420 के प्यार हुआ इकरार हुआ गाने में दो अन्य बच्चों के साथ बारिश में चलते हुए देखा जा सकता है। उन्होंने इस फिल्म में चाइल्ड आर्टिस्ट डेब्यू किया था। 1970 में ऋषि कपूर ने अपने पिता राज कपूर की फिल्म मेरा नाम जोकर से शुरुआत की, जहां उन्होंने उनके पिता के बचपन की भूमिका निभाई थी। 1973 में फिल्म बॉबी में डिंपल कपाड़िया के साथ उनकी पहली मुख्य भूमिका थी और युवाओं के बीच एक हिट बन गई थी। 1974 से 97 तक ऋषि कपूर ने सोलो लीड वाली फिल्में की और केवल 11 फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया, जबकि अन्य 40 फिल्में फ्लॉप रहीं। 11 हिट फिल्में थीं बॉबी, लैला मजनू, रफू चक्कर, सरगम, कर्ज, प्रेम रोग, नगीना, हनीमून, बंजारन, हीना और बोल राधा बोल आदि फिल्में। 1974 से 81 तक ऋषि कपूर ने अपनी होने वाली पत्नी नीतू कपूर के साथ जोड़ी बनाई, लेकिन इस जोड़ी ने जादू नहीं किया। नीतू कपूर के साथ केवल मल्टी स्टारर फिल्में हिट हुई। खेल खेल में, कभी कभी, अमर अकबर एंथनी, पति पत्नी और वो दुनिया मेरी जेब में जैसी फिल्में, जो जोड़ी फिल्मों में नहीं चल सकी वो रियल लाइफ में काफी हिट रही। 1994 तक ऋषि कपूर को मल्टी स्टारर फिल्मों में छोटे भाइयों की भूमिका ही दी गई। 1976 से 2000 तक ऋषि कपूर ने 41 मल्टी स्टारर फिल्मों में एक्टिंग की और उन्हें दूसरे या तीसरे मुख्य सपोर्टिंग एक्टर के रूप में देखा गया। इनमें से 25 फिल्में हिट हुई और 16 बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रहीं। 90 के दशक में ऋषि कपूर की फिल्म दीवाना, दामिनी और इना मीना जी का सफल रही। कपूर को दो मुख्य भूमिकाओं में फिल्मों में हम किसी से कम नहीं, बदलते रिश्ते, आपके दीवाने, सागर में कई बार लीड भूमिकाएं मिली। फिर 90 के दशक में चांदनी, दीवाना, दामिनी और गुरुदेव के साथ। फिर 99 में ऋषि कपूर ने फिल्म आ अब लौट चले का निर्देशन किया। 2000 में उन्होंने फिल्म कारोबार द बिजनेस ऑफ लव में अपनी आखिरी रोमांटिक लीड की, जो फ्लॉप रही। मुख्य भूमिका के रूप में कई बार बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप होने के बाद ऋषि कपूर ने 2000 के दशक में सहायक भूमिकाएं की। साथ ही इन्होंने ब्रिटिश फिल्मों डोंट स्टॉप ड्रीमिंग और सांबर सालसा में भी काम किया। 2010 में कपूर ने फिल्म दो दूनी चार में नीतू कपूर के साथ जोड़ी बनाई। उन्होंने एक फिल्म चिंटू जी में भी अभिनय किया, जहां उन्होंने खुद की भूमिका निभाई। 2012 में ऋषि कपूर एक खलनायक के रूप में अग्निपथ में और पहली बार अपने भाई रणधीर कपूर के साथ मल्टी स्टार हाउसफुल में दिखाई दिए। साथ ही 2018 में ऋषि कपूर ने 27 साल बाद अभिनेता अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म 102 नॉट आउट में अभिनय किया। 2019 में ऋषि कपूर को दो फिल्में झूठा कहीं का और द बॉडी में देखा गया था। ये उनकी दो फिल्में थी जो 30 अप्रैल 2020 को उनके निधन से पहले रिलीज हुई थी। ऋषि कपूर अपनी मृत्यु से पहले शर्मा जी नमकीन की शूटिंग कर रहे थे, जो 31 मार्च 2022 को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई है, जिसे अच्छी रेटिंग मिली हुई है। 2018 में ही ऋषि कपूर को ब्लड कैंसर का पता चला था। वो अपने इलाज के लिए न्यूयॉर्क गए और एक साल बाद 2019 में लौटे। 29 अप्रैल 2020 को ऋषि कपूर को सांस लेने में कठिनाई हो रही थी और उन्हें मुंबई के सर एच एन रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल में ले जाया गया। 30 अप्रैल 2020 को 67 वर्ष की आयु में एक कैंसर से बचने के बाद उनका निधन हो गया। इसकी खबर सबसे पहले अमिताभ बच्चन ने ट्वीट करके दी थी कि ऋषि कपूर का निधन हो गया है। सोशल मीडिया पर अमिताभ के ट्वीट के सामने आते ही फैंस और सितारों ने श्रद्धांजलि देना और शोक जाहिर करना शुरू कर दिया था।
अमिताभ बच्चन ने 30 अप्रैल 2020 की सुबह 9:32 पर ट्वीट किया था कि वो चले गए, ऋषि कपूर वो चले गए, उनका निधन हो गया, मैं टूट गया हूँ। टूटे सिर्फ अमित जी नहीं बल्कि पूरी इंडस्ट्री टूटी थी। आपको ऋषि कपूर जी की कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा करीब है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम फिर मिलेंगे एक वीडियो के साथ यही इसी चैनल पर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।